आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाने से हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। इस समय हम आजमगढ़ जिले के पलहना ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा कबूतरा में को बता दें कि यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 132वें जन्मदिन को मनाया जा रहा है। जैसा कि हम बता दें आपको कि यहाँ की रिपोर्टिंग के मास न्यूज़ हर साल अपने चैनल पर दिखाया करता है, क्योंकि यहाँ की जो जयंती मनाई जाती है कुछ न कुछ हर साल खास होता है। तो आइए हम यहाँ पे कुछ युवाओं से बात करते हैं कि जो ये जयंती ये कितने दिनों से मना रहे हैं और क्या क्या है उनका व्यू इस जयंती। सबसे पहले मैं आपका बात करना चाह रहा हूँ, गरीब अच्छी बात। ये जयंती हम लोग करीबन, हमें याद आ रहा है कि 10-15 साल पहले से हम लोग मना रहे हैं। हमारे इस जयंती मनाने का सबसे मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने समाज के उन लोगों को बाबा साहब के जीवन संघर्षों के बारे में बताना चाहते हैं। वो शायद उनके बारे में बहुत कम जानते हैं, खासकर महिलाएँ हुई, हमारे बड़े बुजुर्ग हुए, जो उनके संघर्षों के बारे में बहुत कम जानते हैं, ताकि हम जागरूक कर सकें को जाने कि बाबा साहब ने कितना संघर्ष करके हमें किस मुकाम पर पहुँचा है। और उनका संदेश एक मैं अपने समाज के युवाओं को देना चाहता हूँ कि उनसे सीखें बाबा साहब आखिर उन परिस्थितियों में जब हमारा देश साथ जातिवाद की घोर जातिवाद था उसमें लड़के वो वहाँ तक पहुँचे तो फिर हमारे पास और सुविधा हम क्यों नहीं पहुँच सकते। यही हमारा जैसा कि आपने यहाँ के युवाओं को सुना और जाना कि उनका व्यू क्या है, उनकी विचारधाराएं क्या हैं, आगे भी और भी हम आपको दिखाएंगे अगले स्टेप पे। आप देख रहे थे के मास मौजूद हैं। इस समय हम आजमगढ़ जिले के तरवा ब्लॉक क्षेत्र के चौकी गंजोर ग्राम सभा में, जहाँ की हम आपको अपडेट दिखाते आ रहे हैं, हर ग्राम सभा की लगभग आपको अपडेट दिखाते आ रहे हैं। तो इस समय हमारी मौजूदगी हुई है चौकी गंजोर में, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हर साल कार्यक्रम कराया जाता है। और एक विशेषता मैं आपको बता दूं कि ये बहुत खास ही जयंती यहाँ पर मनाई जाती है, जो कि वर्तमान ग्राम प्रधान कमलेश कुमार के तरफ से एक प्रतियोगिता का आयोजन भी यहाँ किया जाता है, जो बच्चों के बीच होता है, और प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान लाने वाले बच्चे को इनाम भी पुरस्कार भी दिया जाता है। आइए हम वर्तमान प्रधान कमलेश कुमार के पास आपको लेके चलते हैं, जहाँ की अम्बेडकर जयंती उस मंच पे मनाई जा रही है और उस मंच पे प्रधान जी मौजूद हैं। आइए हम बात करें। आप प्रधान जी। नमस्कार, ग्राम प्रधान कमलेश कुमार। कैसा आपका कार्यक्रम यहाँ पे चलता है? मैं कहता हूँ पिछले साल कई सालों चलता है, हम पहले बच्चों को और भी आपकी चर्चाएं काफ़ी क्षेत्र में बनी हुई है, क्योंकि आप वर्तमान प्रधान हैं और बैकग्राउंड की अगर हम बात कर दें कि इसके पहले आप प्रधान नहीं थे, लेकिन आपकी चर्चाएं हुआ करती थी कि नहीं ये जो प्रतियोगिता है और कोचिंग वगैरह की भी हमने काफ़ी चर्चाएं हैं कि आप निःशुल्क कोचिंग कराते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और प्रधान रहने की दशा में पिछले वर्षों में आपने कितने सालों एक कार्य करते आए? तो 2011 से 2 साल जो चल रही है हमारे ग्राम समाज में, मैं प्रधान नहीं था तब से, लेकिन तो बच्चों को मोटिवेट करके अभी चलती कोचिंग हमारे दो नहीं कोचिंग सेंटर चलते हैं ग्राम पंचायत में, जो दो लड़कियाँ रखी गई हैं जो ग्रेजुएटेड हैं, बी एड हैं, बच्चों को आते नहीं कोचिंग सेंटर, उनको पैसा हम अपनी जेब से देते हैं, सबको बच्चों का भी कलर फ्री मिल जाती है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो आज की स्थितियाँ ये बनी हुई है कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन वर्तमान प्रधान कमलेश कुमार होने के नाते पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी अगर इनका बैकग्राउंड चेक कर लिया जाए तो ये सारी व्यवस्थाएं प्रधान न रहते हुए भी इन्होंने किया हुआ है। काफ़ी जागरूक प्रधान हैं इस ग्राम सभा के, और देखने को भी मिल रहा है। आगे हम और भी आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। आप देख रहे थे केवा मौजूद है। इस समय हम आजमगढ़ जिले के तरवा ब्लॉक के, जहाँ पर कि आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती को मनाया जा रहा है, और यहाँ पर मौजूद भी हैं
केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। तो आइए उन लोगों से कुछ जानकारी लेते हैं कि आज का ये कार्यक्रम कैसा उनको लग रहा है। नाम बताएं। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली, जिला महासचिव आजमगढ़। यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में। बड़ा सराहनीय वर्क रहा है, कार्य रहा है यहाँ के जनता का, और ये लौरी ग्राम सभा के सभी बुजुर्ग भाइयों, जवानों और जो है बच्चों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आगे ले चलता हूँ, एक बुजुर्ग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं आज के कार्यक्रम। यहाँ पर हमारे बच्चे, हमारे गांव के बुजुर्ग और माताओं, सभी लोगों का सहयोग से बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती मना रही है। और हमारे यहाँ पर दिल्ली से आए हुए हैं लोग, सभी लोग इस भाग में भाग ले रहे हैं। और हम लोगों को खुशी है कि आकर हम लोगों का सम्मान और उत्साह ये लोग बढ़ाए हैं। धन्यवाद। पूरे भारत देश में आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है और काफ़ी देखने को मिल रहा है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, काफ़ी जागरूकता देखने को मिल रही है। आप देख रहे थे क्या?